Hello Anchita, hi, welcome back. ओके कूल, एम आई ऑडिबल? हाँ, मेरे दर्शन हो रहे हैं, ठीक है सब कुछ? हेलो प्रज्ञा, हेलो प्रशांत, विमल, सभी का स्वागत है क्लास में. गुड इवनिंग प्रज्ञा. ओके कूल. कैसे हैं आप सब लोग? आराम कर लिए सबने? आराम हो गया. ओके. तो शाम का वक्त है, वक्त है शाम का, तो उसी से रिलेटेड एक पिक. प्रणाम प्रशांत. उफ, गर्मी लग रही है. हेलो धीरज, ममता, प्रणाम, विमल, चंचला जी, वेलकम क्लास में, सभी का स्वागत है. ओके अरे मैंने अभी देखा, मेरा कल स्पेशल क्लास लगी हुई है गवर्नर जनरल्स की, तो देखते हैं उसमें स्टार्टिंग के गवर्नर जनरल देख लेंगे, उसके बाद उस टाइम पीरियड में कुछ और पढ़ा दूंगा, ठीक है? ये मैंने सोचा हुआ है. कुछ और क्या आप लोगों का? आई थिंक वो भी रह गया, सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स. मैंने इतना डिटेल में नहीं बता पाया मैं. आई थिंक यहाँ पे उसको बता देंगे थोड़ा. हेलो प्रियंका, कामनी, वेलकम टू द क्लास. ओके सो ये सीन है, क्या डिपिक्ट कर रहा है? सांझ हो गई है, संध्या हो गई है, संध्या हो गई है और घर पे रहने का टाइम है. एक्चुअली इस समय घर ही पे रहने वाला है, बाहर आप देख रहे हो हालात बहुत ही इमरजेंसी लगी हुई है बाहर, ठीक है? सो लखनऊ में तो काफ़ी कोहरा है आपके, मतलब कोहरा इन द सेंस स्मॉग है, आपकी तरफ पता नहीं क्या हो, हालात सही नहीं है इधर. तो आज क्या पढ़ना है? एक्ट्स एंड रेगुलेशन, पूरा का पूरा. ये आज जो मैं पढ़ाऊंगा पूरा ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, तो आप लोग नोट्स जरूर लेना, ठीक है? हाँ विमल, वही लखनऊ में, कानपुर में भी चल रहा है. ओके कानपुर में भी है, हालात बहुत ही नाजुक हैं. चलिए एक्ट्स एंड रेगुलेशन वही है, अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा, बाकी लोग आएंगे तो फिर थोड़ा वो हो जाता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कोशिश करो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो तुरंत ज्वाइन कर लिया करो, कोई बात नहीं. सो सोर्स, सबसे पहले मैं सोर्स बता दूं अभी. हेलो मोहित, पंकज, सुरेश, स्वागत है सभी का क्लास में. ओके हाँ. क्या देखना है हमें? एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, सबसे बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा. हेलो किट्टू, वेलकम टू द क्लास. सभ्यता, स्वागत है क्लास में. एक्ट्स, हेलो शैलेंद्र, अपर्णा, पूनम, दानिश, वेलकम टू द क्लास, सभी का स्वागत है. आने देते हैं लोगों को जुड़ जाएं, अदरवाइज आपके कलीग्स, आपके दोस्त थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, इसीलिए सबका साथ सबका विकास, ठीक है? तो सब लोग 5 मिनट तक का, 5-8 मिनट तक का गैप देंगे, जिससे सब लोग जुड़ जाएं, उसके बाद चीज़ें हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है? क्योंकि एक बार जब फ्लो हो जाता, फ्लो में चला जाता है, तो फिर पीछे से स्टार्ट करना कोई मतलब नहीं रखता है. हेलो आंचल, जसवीर, दानिश, वेलकम टू द क्लास, सभी का स्वागत है, ठीक है? हेलो अशोक, वेलकम टू द क्लास. ये सारी बातें हैं एंड आई थिंक आप सभी गियर अप हो गए पेपर के लिए, एंड आई थिंक 70% ऑफ यू पीपल माइट बी गिविंग दिस ईयर यूपीपीसीएस 2019 एग्जामिनेशन, राइट? आप लोग दे रहे हो गए पेपर, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आभास हो रहा है, मुझे आभास अंदर से आ रहा है कि या 70% से ज़्यादा लोग पेपर दोगे इस बार.
चलिए ठीक है, 5 मिनट का टाइम हो गया है, अब हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो अशोक, हेलो ए के राजा, वेलकम टू द क्लास। सो बेसिकली काफ़ी चीज़ें हम लोग समझेंगे, बट उसको समझने से पहले ज़रा मुझे एक बार जयकारा लगा दो। सब लोग पी लिख के या वाई लिख के कौन कौन है क्लास में मुझे बता दो। और ओके ओके, सबका सबकी आवाज़ मुझे आनी चाहिए। जो जो है कोई छुपा व्यूअर नहीं होगा, सब अपना नाम मतलब बताएंगे, सब बताएंगे सब लोग। हेलो शुभांगी, अंशुका, वेलकम टू द क्लास। अनुष्का, सॉरी फॉर, सबका स्वागत है क्लास में। ओके ओके ओके, इतने ही लोग हैं, एंट्री कितने लोग करते हैं? ओके, आई थिंक नेट का भी इशू रहता है कुछ लोगों का, लिखते हैं बाद में फिर आता है। गुड इवनिंग शुभांगी, वेरी गुड इवनिंग। तो हेलो अरिजिता, स्वागत है क्लास में। सो माहौल बन गया है, ठीक है, काफ़ी लोग हम लोग के साथ जुड़ भी गए हैं। हेलो अरिजिता, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में कुछ बातें जान लीजिए आप लोग। जो सामने आपके छोटे से स्क्रीन पे दिख रहा है शख्स, उसके बारे में जान लो। तो मेरा नाम है भारत कुमार, अन अकेडमी पे वेरीफाइड और प्लस एडुकेटर हूँ। काफ़ी टाइम से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और करंटली मेरी क्लासेस प्लस पे चल रही है और ऑन अ डेली बेसिस आप लोग के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। 6 तारीख से मेरी क्लासेस यूट्यूब पे चलेगी, अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, यूपीपीसीएस की कैटेगरी में वो चलेगी, ठीक है। और मैंने यूपीएससी मेंस लिखा हुआ है इस साल का, पिछले साल का भी यूपीएससी मेंस लिखा हुआ है। तो थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है छोटा मोटा, ठीक है। आरओ यारो मेंस मैंने लिखा हुआ है। आई एम बीटेक गेट ट्वाइस क्वालिफाइड इंजीनियर, वर्क विद महिंद्रा एंड महिंद्रा इन बिहार, ठीक है। सो ये मेरी शॉर्ट सी प्रोफाइल, क्यूट सी, और इंसान भी क्यूट सा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। सबसे पहले कुछ बातें समझ लीजिए, एक्ट्स एंड रेगुलेशन लाए क्यों गए थे, हो क्या रहा था। सबसे पहला एक्ट किसी को पता है कौन सा लाया गया था? कोई कहना चाहेगा कुछ? हेलो जया, वेलकम टू द क्लास। हेमंत, स्वागत है क्लास में, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है हेमंत। गुड इवनिंग हेमंत, गुड इवनिंग। हेलो शुरू, वेलकम टू द क्लास। हाँ ओके, रेगुलेटिंग एक्ट, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। लर्नर्स, स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स हो आप लोग, वेरी गुड। तो चलिए माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। माहौल बनाते हैं कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, क्यों लाया गया सर? रेगुलेटिंग एक्ट, नाम ही है रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब कि कुछ गलत हो रहा था कंपनी का, इसलिए रेगुलेट करने के लिए लाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये पास हुआ। तो सबसे पहले जिस एक्ट को हम लोग समझने जा रहे हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट। और मैं अभी केवल उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये जो क्लास चलती है एक्ट्स एंड रेगुलेशन की मेरी, वो मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा चलती है। लेकिन अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, समय भी नहीं है, मुझे ज़्यादा चीज़ें बतानी भी है, ठीक है। जितना है उतना जान लीजिए, और जिसको नहीं पता है वो चीज़ें नोट करता रहेगा, क्योंकि कई लोग यहाँ पे आपके जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे काफ़ी मतलब नए हैं या फिर उन्हें जानकारी कम है थोड़ा, ठीक है। तो बट वही है, मैंने फिर कहूँगा सबका साथ सबका विकास वाली चीज़, तो सब लोग नोट कर लेना, जिससे ना पता हो, नोट्स वोट्स ना बने हों पॉलिटी के, ये सारी बातें, ठीक। वैसे तो पॉलिटी मुझे पढ़ाऊंगा। हाँ कामनी, वही मुझे पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, ठीक है। चलिए सबसे पहली चीज़ हेडिंग डाल लीजिए। देखिए सबसे जो एक्ट्स एंड रेगुलेशन पढ़ने होते हैं ना, एक्ट्स एंड रेगुलेशन पढ़ने होते हैं ना, राइटिंग ना समझ में आए कृपया करके मुझसे पूछ लेना। वैसे अवार्ड मिला हुआ है मुझे राइटिंग में, तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो एक्ट्स एंड रेगुलेशन को देखिए, बेसिकली मोटा मोटा दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं हम लोग। एक होता है, एक जो हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कंपनी रूल, ठीक है। दी कंपनी रूल से बोला जाता है, जब कंपनी का शासन चल रहा था, ठीक है। मतलब कि एक है दी कंपनी रूल, मतलब कि 1757, 1773 बेसिकली लो, 1773 से 1858 तक कंपनी रूल। इसके बाद कौन सा रूल चलेगा, कोई बताना चाहेगा? बताइए। एक तरफ कंपनी रूल है, उसके बाद कौन ले लेता अपने हाथों में सत्ता पूरी, ये हम लोग ने जाना भी था, पढ़ा भी था हम लोग ने, है ना। क्राउन रूल, वेरी गुड, क्राउन रूल चलेगा, क्राउन रूल, हाँ ठीक है, क्राउन रूल चलेगा। इसका टाइम पीरियड लिख लो आपका 1858 से जब तक भारत आजाद हो, 1947,
सबसे पहले जो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं ना, एक्ट्स और ये सारी बातें, वो अभी हम लोग कंपनी रूल के अंडर में देखेंगे, ठीक है? आराम से बिल्कुल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1773 से 1857 1858 के एक्ट को कंपनी रूल के अंडर में डालेंगे, उसके बाद उधर से शुरू करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हम लोग क्राउन से पढ़ेंगे, ठीक है? उससे पहले यहाँ पे क्लियर है अभी तक चीजें सबको? हाँ, ये बेसिक था। अब हम लोग एक एक एक्ट पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है? ये बेसिक था बिल्कुल, ठीक। हाँ, और हमसे बात करते रहना, ठीक है? हमें बिल्कुल चुप इंसान यहाँ पे नहीं पसंद है, रियल लाइफ वाली अलग चीज है, यहाँ पे नहीं पसंद है, ठीक है? सब लोग बोलते रहना, जब हम भी पूछें तो हमेशा उसका जवाब दीजिएगा, ठीक? चलो, वेरी गुड। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, हेडिंग डाल लीजिए जो लोग लिख रहे हैं, ठीक है? ये पोर्शन अच्छे से कर लो तो आई थिंक एक दो सवाल आ जाने हैं, एक सवाल तो आने ही आना है, ये डेड श्योर है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो इसके अंडर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता दूंगा, पॉइंट वाइज बुलेट वाइज आप लोग लिख लेना, काम हो जाएगा। ये क्या है, ये पता है क्या? ये पहला स्टेप लिया गया, पहला स्टेप लिया गया सरकार द्वारा कि कंपनी को रेगुलेट किया जा सके, ये पहला स्टेप था, इसलिए एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेलो अंकुर, अखिल, यूजर, वेलकम टू द क्लास। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा किया कि कंट्रोल करना है कंपनी को और रेगुलेट करना है, ठीक है? सो फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हेलो। फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ, ये अफेयर्स मतलब कुछ और अफेयर्स ना समझना, मतलब काम कामकाज वाली चीजें, ठीक है? हेलो सोमनाथ, यूजर, संध्या, स्वागत है। अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट? नमस्ते यूजर। और पता है सवाल कैसा पूछा गया है? हाँ सभ्यता, ठीक। हेलो वन्ना, वेलकम टू द क्लास। सवाल कैसे पूछा है? सवाल पूछा है इट लेड द फाउंडेशन ऑफ, इसको लिख लो, एक एक लाइन सवाल बन जाती है, इट लेड दी फाउंडेशन ऑफ। देखो यार, ऐसा है कि मैं थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का टीचर हूँ, यहाँ पे मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, ऐसे पढ़ाता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना है, बट हम क्या करें, हम ऐसे ही हैं। मेन थिंग है आपको समझना, हमें समझाना, वो आई थिंक बखूबी हम कर देते हैं, ठीक है? हेलो यूजर इमरान, वीरेश, वेलकम टू द क्लास। इट लेड दी फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, बहुत बार पूछा जाता है सवाल, ठीक है? यहाँ पे कई लोग हिंदी मीडियम के भी होंगे, इसीलिए बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, अभी कोई हार्ड कोर इंग्लिश नहीं, आराम से समझ में आएगा। और जिसको जहाँ पे नो ना समझ में आए मुझसे पूछ लें, ठीक है? मुझसे पूछ लेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ठीक है? मुझे काफ़ी पता है, मैंने आंसर राइटिंग सेशन लिए हैं मेंस के, मुझे पता है कि क्या क्या हो, मतलब हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना हार्ड कोर इंग्लिश नहीं है। सो इट लेड दी फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है? जो लोग लिख रहे हैं मुझे बता दे यस करके, जिससे मुझे पता रहे कि कोई लिख भी रहा है क्या। ओके, वेरी गुड, काफी लोग लिख रहे हैं, कूल, ठीक, सही बात है। बस आपको मैं केवल बिल्कुल कोर चीज लिखवाऊंगा जो आपके पेपर में इस समय आ सकती है बस, और चुपचाप जाके लेक्चर खत्म होने के बाद घटना चक्र उठाना, क्वेश्चन लगाना धड़ाधड़ शुरू कर देना। और काफी लोग यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन लगवा रहे हैं, और कुछ काम नहीं है, लोग यहाँ पे आई थिंक लगवा रहे हैं। ओके प्रशांत, टेकिंग स्क्रीनशॉट, ओके ठीक, क्वेश्चन लगवाए जा रहे हैं यहाँ पे क्लासेस में, ठीक है? लगाइए जाके, हो सकता है यही सब बातें, ठीक है? और ठीक है, चलिए, आई थिंक ये सबने लिख लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, या यही अभी चल रहा है, ठीक है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 चल रहा है, इसी के अंडर में लिखते जाना। आपको पता है एक बात यह है कि अभी तक बंगाल के गवर्नर को बोला जाता था गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल। अब इसके तहत क्या बोले जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज।
हेलो रितु, हेलो सुनील, वेलकम टू द क्लास। जरा हल्के से बता दीजिए, मेरे कानों में आवाज आ जाए, कौन था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? आराम से बता दीजिए। देखिए, ऐसे ही पढ़ाई करनी है, बैकग्राउंड जानो, ठीक है, पूरा समा बांधो और उसके बाद जो चीज है बिल्कुल सामने रख दो, खत्म। दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसे पढ़ना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर आंसर आ रहा है मेरे पास लोगों के। वेरी गुड, बस यहीं पे चुपचाप लिख दो, फर्स्ट वैरन हॉस्टिंग, खत्म। पूछ लो जहां से सवाल पूछना है, ऐसे पढ़ाई करनी है। वैरन हॉस्टिंग, खत्म। गवर्नर ऑफ बंगाल अब कहलाने जा लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। चार लोग इसकी हेल्प के लिए अपॉइंट कर दिए गए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के लिए, कि आप लोग को चार लोग दिए जाते हैं, आपकी हेल्प करेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हेलो रेखा, वेलकम टू द क्लास। इसके बाद क्या किया गया ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में कर दिया गई दो प्रेसिडेंसीज। कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज होंगी वो? हेलो पांशु, वेलकम टू द क्लास। है बॉम्बे एंड मद्रास, है ना, इसके नीचे कर दिया गया। एग्जैक्टली, मद्रास एंड बॉम्बे। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, इसमें बोला गया एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया जाएगा। इसमें बोला कि सुप्रीम कोर्ट विल बी एस्टैब्लिश्ड, सुप्रीम कोर्ट विल बी एस्टैब्लिश्ड। ये बहुत बार सवाल आया है, सन बता दीजिए जरा। अ सुप्रीम कोर्ट विल बी एस्टैब्लिश्ड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे बहुत अच्छे इंसान हो आप सब। एट कलकत्ता, वेरी गुड। 1774 में एलिजा एम्फे वाज द चीफ। बहुत सही प्रशांत, बिल्कुल सही सर, एलिजा, ठीक है, एलिसा एम्फे, सही बात है। ठीक है, देखो अब मैं आप लोग को एक चैनल दे रहा हूं, इसी में आप लोग को जो फैक्ट्स मिलते जा रहे हैं, जैसे प्रशांत ने भी बोल दिया, तो आप लोग लिखते जाना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हर चीज मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, मैं एक ब्रॉड नोट्स आपको तैयार करा दूंगा, उसके बाद उसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं ना वो आप लोग लिख लेना, ठीक है? क्योंकि मतलब देखो टीचर, हेलो सिद्धांत, गिरीश, वेलकम टू द क्लास। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सारा कुछ एक टीचर मतलब नहीं रख देना चाहिए, कुछ अपनी तरफ से भी करना चाहिए। तो जो छोटी छोटी पॉइंट्स है ना वो आप लोग एड ऑन कर लेना, कौन चीफ जस्टिस था, कितने नंबर ऑफ जजेस अपॉइंट किए गए थे पहली बार सुप्रीम कोर्ट में, ये सारी बातें। प्रेजेंट टाइम पे नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कितने हैं सब लोग बताइए, करंट का सवाल है। हाल ही में अमेंडमेंट किया गया था लॉ में, प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं? 34, वेरी गुड। 33+1, 33+1 है ना, 33+1, ऐसे ध्यान रखना। एक चीफ जस्टिस है, 33 जजेस, वेरी गुड, खतरनाक लोग आप लोग। ठीक, इसके बाद जो सवाल पूछा गया, इसी में पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट कर रहे हैं ना, तो कैसे रेगुलेट एक कर रहे हैं, सुनो। इस एक्ट में प्रोहिबिट किया गया है, प्रोहिबिट मतलब होता है रोका गया है। क्या रोका गया है? जो यहाँ के सर्वेंट्स थे, कंपनी के सर्वेंट्स थे, ब्राइब लेते थे, गिफ्ट्स लेते थे लोगों से यहाँ के, तो इस चीज को रोका गया, इस पे नकेल कसने की स्टार्टिंग करी इसी एक्ट ने, ठीक है। सो इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम टेकिंग एनी ब्राइब ऑफ गिफ्ट्स और इंडल्जिंग इन एनी प्राइवेट जॉब, मतलब अलग से प्राइवेट सर्विस या प्राइवेट जॉब भी नहीं करनी है जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये सेंट्रलाइजेशन की थोड़ी थोड़ी शुरुआत है, वही है। गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप प्राइवेट क्यों कर रहे हो भाई, यही बात है, ठीक है। चलो, इट प्रोहिबिटेड, ये सब सवाल आए हैं। प्रणाम वंदना, राजेश स्वागत है क्लास में आपका। और उसमें हाँ, ये कहाँ गया, हटा दिया मैंने लग रहा है, हाँ हटा दिया। एक चीफ जस्टिस था, तीन जज थे पहली बार जब हुआ, ठीक है, 1+3 का चला था, ध्यान रखना, जो पहली बार बना 1774 में, 1+3 चला था। हेलो सोनिका, वेलकम टू द क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझिए,
अभी तक एक कॉन्सेप्ट चल रहा था यहाँ पे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसे सीओडी बोलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब इस पे मैं थोड़ा लेक्चर दे दूँ, समझो। आजकल हम लोग सीओडी केवल वही जानते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। कोई भी प्राइवेट कंपनी जो बनती है, उसमें जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स होते हैं, लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स, ठीक है, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, मतलब कई लोग होते हैं ना मिलके, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं। ये सबको समझ में आता है, ये आज भी है। अगर मेरे पास किसी कंपनी के 20% शेयर आ जाएं, दूसरे के पास 25 आ जाएं, मतलब हम लोग मिला के ग्रेटर देन 50% हो रहे हैं, तो हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना सकते हैं। हम लोग मतलब हम लोग के पास शेयर ज्यादा है ना, इसलिए हम लोग डायरेक्टर कहलाएंगे कंपनी के। ये उस टाइम पे भी था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, प्राइवेट एंटिटी थी ना, तो वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे। उनको अब बोल दिया गया इस एक्ट के थ्रू, आपको जो भी काम होगा, जो भी आप एक्शन लोगे भारत में, उसकी रिपोर्ट आपको पार्लियामेंट में सबमिट करनी है, ब्रिटेन पार्लियामेंट में। समझ में आ गया ये पॉइंट कि नहीं सबको, यस और नो? क्योंकि इसके बाद मैं अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बताऊंगा, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले समझना जरूरी है, व्यापारिक मामले। हाँ एग्जैक्टली, शुरू है ना, पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में आपको एक रिपोर्ट देना जरूरी होगा। अभी तक मन से मनमर्जियां कर लिया, अब नहीं करना ये सब, ठीक? चलो कूल, बस अभी इतना जानिए। नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम लोग, पिट्स इंडिया एक्ट। ईयर बताइए जल्दी से, पूछा गया सवाल। सेकंड है पिट्स इंडिया एक्ट। ईयर सब लोग बताएंगे, जो जो प्रेजेंट हैं, पता हो ना पता हो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है तो एन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। सेवनटीन एटी फोर, वेरी गुड। जब पूरी पूरे के पूरे लोग 1784 जा रहे हैं, तो हम क्या अलग कह सकते हैं। वेरी गुड, हेलो शिवानी, वेलकम टू द क्लास। एग्जैक्टली, अब मैं समझाने जा रहा हूँ बीओसी और सीओडी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्यों लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां लग रही थी, अभी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो पिट्स किसके नाम पे है, ब्रिटेन के पीएम थे, ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया। ब्रिटेन के पीएम थे विलियम पिट, विलियम पिट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनको लगा कि हमें और नकेल कसने की जरूरत है कंपनी पे, ब्रिटेन के पीएम थे, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, एक मतलब प्रपोजल रख दिया, तो वो फाइनली कानून बन गया, पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया गया। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया अब हमें जरूरत है कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर को अलग करने की, कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल जो काम है, अब इनको अलग करो। अभी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों काम कर रही है, जीतती भी जा रही है हर जगह, अपना बिजनेस भी कर रही है, तो ये हटाओ, ये खत्म करो। तो इस चीज को बोला जाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस चीज को बोला जाता है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके थ्रू सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट लाया गया, समझ में आ रहा है सबको, है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट लाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ये चीज लाई गई है। हेलो काजल, वेलकम टू द क्लास। सर डबल गवर्नमेंट बताइए क्या हो रहा है इसमें, दो लोग गवर्न कर रहे हैं। हाँ, एक है यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक अपना सीओडी चलेगा, ठीक है, लिखिए यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अब बोल दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बीओडी कर लो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। सर कौन क्या करेगा बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम रहेगा पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करना, देखना पॉलिटिकल अफेयर्स, और सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या काम करता है भाई, कमर्शियल वाला एंगल देखेंगे, कमर्शियल अफेयर संभालेंगे। तो सर जो ये नया बना दिया गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें मतलब क्या हो क्या रहा है, अब ये पॉलिटिकल अफेयर संभालेंगे और इसमें जो मेजोरिटी रहेगी वो
ब्रिटेन के पार्लियामेंट के मेंबर्स की मेजोरिटी रहेगी, समझ में आया? ब्रिटेन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी मेजोरिटी यहाँ रहेगी भाई, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे कैसे टाइट किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, हैं? सबको समझ में आया? ये मैं हटाने जा रहा हूं, सब लोग पहले बता दो, सबने लिख लिया ना? सब ठीक है, सब कुछ? ये मैं हटाने जा रहा हूं। ओके ओके, ये मैं हटाने जा रहा हूँ, ठीक है? हटा रहा हूँ मैं। हेलो नेहा, वेलकम टू द क्लास। बहुत ही देखिए सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें समझी जाती हैं, समझाई जाती हैं, ठीक है? आइंस्टीन का कोटेशन नहीं था? अगर आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझा पा रहे हो, इसका मतलब आप खुद नहीं समझे हो, ठीक? तो ये बात है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे फ्लो चार्ट डायग्राम से आपको समझा सकूँ, इसीलिए ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाता हूँ मैं, मुझे पीडीएफ की ज़रूरत ही नहीं है। खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी दूसरा समझा पाएगा। चलिए ठीक है सर, ये सब समझ में आ गया, बड़ा अच्छा लग रहा है। और बताइए, अब इसी के अंडर में एक बात लिखिए आप लोग। ये सवाल आया है, पिट्स इंडिया एक्ट से ही क्या बोला जाने लगा पता है? जो यहाँ पे इन लोग की प्रॉपर्टी, जमीन, रेवेन्यू, ये सब था, इसको बोला जाने लगा टेरिटरी, जो ये सब थी, इन्होंने नई नई कॉन्कर करी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अब उसे बोला जाने लगा ब्रिटिश पजेशंस इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये सब ब्रिटिश का है, ब्रिटिश ब्रिटिश पजेशंस इन इंडिया। किसको बोला जाने लगा सर, फिर से बताइए जरा क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं यहाँ पे क्या था कि जो अब कंपनी की टेरिटरी थी, कंपनी की टेरिटरी जो थी, कंपनीज टेरिटरी, अब वो कहलाई जाने लगी ब्रिटिश पजेशंस इन इंडिया। समझ में आ रहा है ना? वो कंपनी की नहीं रही, अब वो ब्रिटेन वालों की भी है, उस पे मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, रानी है, वो सब अपना हक लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन और मजबूत होता जा रहा है, स्टार्टिंग हो गई थी रेगुलेटिंग एक्ट से और इसमें और मजबूत किया गया, ठीक है? और वही है, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसको यहाँ पे और हक दिया गया इनको कंट्रोल करने का, कंपनी वालों को। तो ठीक है, इतना रखते हैं इसमें, अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इतना सब कुछ सबको क्लियर है, यस और नो? हेलो श्वेता, वेलकम टू द क्लास। क्लियर सब कुछ इतना? हैं, मजा आ रही है? मजा आ रही है ना? क्लियर है सब कुछ? वेरी गुड, बहुत सही लोग आप लोग। कहाँ थे अभी तक आप लोग, कहाँ थे आप लोग? मैं तो यहाँ कब से क्लास ले रहा हूँ, एक बार मॉर्निंग में आ गए तब से आप लोग जुड़ गए हमसे। ओके अविरल, वेलकम टू द क्लास। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए सब लोग, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ, हेलो अभिषेक, हेलो संजीव, वेलकम टू द क्लास। 1833, तो जो नोट्स आपके बन रहे हैं बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनेंगे, बिल्कुल क्रिस्प है। और इसी में जब क्वेश्चन करना तो आपको कुछ नया लगे तो बस धीरे से लिख लेना, और नोट्स बनाते समय इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा अपने नोट्स मुझे अभी सेंड कर दिया करो, मुझे कुछ अगर बताना हो तो कम से कम मैं उसमें बता सकूँ। नोट मेकिंग भी अपने में एक कला है, ठीक है? नोट मेकिंग भी अपने में एक कला है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेंड कर दिया करो, मैं तुरंत देख लूँ सबका। चलिए स्पेस दे के थोड़ा छोड़ना और कोशिश करना मार्जिन छोड़ देना कि कम से कम कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर सको। बहरहाल चार्टर एक्ट ऑफ 1833 देखिए क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको बोला जाता है, इस एक्ट को, दिस एक्ट वॉज दी फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, फाइनल स्टेप्स टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। समझ में आ रहा है? कब से प्रक्रिया शुरू करी थी उन लोग ने, 1773 से आते आते अब एक फाइनल एक मोड़ आया है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, बचा खुचा सेंट्रलाइजेशन ये पूरा कर देगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या कहलाया जाने लगेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है? अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कहलाने लगेगा। कौन था धीरे से मेरे कानों में बता दो, कौन था?
पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो कौन था? सब लोग बताएंगे, तो मेरी क्लास में जो जो मौजूद है सब लोग बताएंगे, बाकी आपके दोस्तों ने बोल दिया उनका देखी देखी आप भी बोल दीजिए, ठीक है? ओके, वेरी गुड, सब लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। नहीं प्रियंका, वैरन हेस्टिंग नहीं था, वैरन हेस्टिंग नहीं था, बेंटिक, 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 विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, यहीं पे लिख लीजिए फर्स्ट, विलियम बेंटिक। बट ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, लास्ट था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक, दोनों में डिफरेंस है। हेलो सलोनी, वेलकम टू द क्लास, ठीक, ये बात है, ये हटा दूं मैं, समझ में आ गया अब, मतलब ये दो लाइनें हटा दें। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ही चल रहा है, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ, ओके ओके, सबने लिख लिया आई थिंक, ओके। इस एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी गई, पता है क्या? इस एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी गई, क्या? लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास की छीन ली गई, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने की पावर। हेलो स्नेहा, वेलकम टू द क्लास, नितेश स्वागत है क्लास में। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, वर टेकन अवे, वर टेकन अवे, गुड इवनिंग स्नेहा, राइट। मतलब क्या है सर? सर मतलब ये है कि लेजिस्लेटिव पावर छीनने का मतलब समझ रहे हो, वहां के जो गवर्नर्स थे बॉम्बे और मद्रास के, जो गवर्नर्स थे उनसे उनकी शक्तियां, शक्तिमान की शक्तियां छीन ली गई। तो ये जब मराठा कॉन्फेडरेसी वाला सीन पढ़ाते हैं हम ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तब एक बवाल कटा था, तो बॉम्बे और मद्रास के पास तो पावर थी नहीं, वहां के गवर्नर्स के पास, तो इन लोग को अर्जी देनी पड़ी थी बेंटिक के पास। बहरहाल ये अलग इशू है, इस पे कभी और चर्चा करेंगे। बहरहाल अभी ये जानिए, और ये अभी जानिए कि 1833 के पहले के जो लॉज बने उनको बोला जाने लगा रेगुलेशंस। हम लोग 1833 पढ़ लेना, इसमें बोला गया, इसमें मेंशन कर दिया गया, इससे पहले जितने भी कानून बने उन्हें बोला जाएगा रेगुलेशंस, और इसके अंडर में जो बन रहे हैं उनको बोला जाएगा एक्ट्स। ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है 1833 वाले में, ये मेंशन है, इससे पहले वाले जितने भी कानून बने उन्हें रेगुलेशंस बोलेंगे, और इसमें जो बातें बोली गई उनको एक्ट्स बोला जाएगा, ठीक है? तो ये बात हो गई। इसके बाद इसमें एक बात करी गई है, वो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। जय हिंद नितेश, जय हिंद। चलो अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज थी वो बंद कर दी गई। कौन सी एक्टिविटीज? ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी, इसको समाप्त कर दिया गया, कमर्शियल बॉडी समाप्त कर दी गई, मतलब समझ रहे हो, बीओडी जो था, बीओडी था। अभी हम आ रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं उस पे। हाँ प्रशांत, हाँ बिल्कुल, ओके ओके, हमें इधर रहने दो अभी। हाँ बीओडी जो था उसको समाप्त कर दिया था, एज अ कमर्शियल बॉडी समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ पे एक लाइन बोली जाती है, वो मैं दिखा दे रहा हूं, तो मतलब अब क्या है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई, सरकार के ही उसमें आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, तो मतलब जो चीज देखो, काम तो कर ही रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर रहे थे और कमर्शियल काम भी कर रहे थे, लेकिन अब बस कहने को है कि कमर्शियल हटा दिया है, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई है, बट कमर्शियल काम तो ये कर ही रहे हैं, बस ये कहने को है कि इनको समाप्त कर दिया गया कमर्शियल बॉडी। ठीक है, चलो एक लाइन बोली जाती है वो लिख लीजिए, ये सवाल में पूछा जाता है। अब से कंपनीज
टेरिटरी, आपसे कंपनी की टेरिटरी पता है क्या बोली जाएगी? बोली जाएगी कि इट इज इन द ट्रस्ट ऑफ, कंपनी की जो पूरी टेरिटरी है इंडिया में, अब वो बोली जाएगी इट इज इन द ट्रस्ट ऑफ मैजेस्टी। अब ये सब रानी के अंडर में है, ठीक है, राजा के अंडर में जो भी है, हिज मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी, हिज हायर्स, उनके जो आने आगे आने वाली सक्सेसर जनरेशन है, हिज हायर्स मतलब उनके परिवार के लोग एंड सक्सेसर, ये लाइन पूछी गई है प्रीलिम्स में, इसीलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ। ये 1833 में मेंशन है, आपसे कंपनी की टेरिटरी हिज मैजेस्टी हिज हायर्स एंड हिज सक्सेसर्स के नाम पे चलेगी। मतलब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो थी बेचारी, उसने इतना सब कुछ काम किया और फाइनली चला गया राजा के हाथ में, राजा रानी जो भी उधर है, ठीक है, उनके हाथों में चला गया सब कुछ। इसी में पहली बार ऐसा हुआ है कि ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई है। तो ये पूछा जाता है, दिस एक्ट अटेम्प्टेड, वर्ड ध्यान रखना, अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट हुआ था, रियल में नहीं हो पाया था, रियल में नहीं हो पाया था, क्यों? क्योंकि बैकलैश मिलने लगे थे यूरोपियंस के द्वारा, ये क्या कर रहे हो भाई, इंडियंस को क्यों अपनी सर्विसेज में इंक्लूड कर रहे हो? तो दिस एक्ट, इसमें हटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये हटा रहा हूं, यहां लिखा दे रहा हूं, तो दिस एक्ट अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट किया है, ये की वर्ड है यहां पे, समझना है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था, अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन। ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, राइट, बहुत आसान सी चीज है, बस वही एक बार शक्तिमान को शक्तियां उनकी याद दिलानी पड़ती है, राइट। इतनी चीजें सबको समझ में आ गई, यस और नो? ए और आप सबको जो भी इसमें एड ऑन करना है एड ऑन कर लेना, अभी जितना हम बता रहे हैं उतना कर लीजिए, बाकी आपके पास आपके नोट्स रहेंगे, जितना एड ऑन करना है चीजें कर लेना आराम से, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखिए समय का तकाजा होता है मेरे पास यहाँ पे स्पेशल क्लास में, तो इसलिए मैं चाहता हूँ जितना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दे सकूँ इन्फॉर्मेशन, देने की कोशिश करता हूँ। हेलो सच्चिदा, वेलकम टू द क्लास। सो ये सब बातें हैं, नेक्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। बाकी आपके पास हमेशा किताब अवेलेबल है, नोट्स हैं, तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन वही है, यहाँ पे जब एक बार कोई पढ़ा देता है ना तो चीज़ें मतलब रेजोनेट होती हैं माइंड में कि हाँ वहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला था, तो अगर मैं गलत भी बोल देता हूँ तो मुझे बाद में करेक्ट किया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, कोई बताता है तो ज्यादा ध्यान रहता है चीज है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853, कई चार्टर एक्ट करे गए थे, सो ये लास्ट था, लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें समझिए क्या किया गया है, सेंट्रलाइजेशन तो हो गया है, अब क्या किया जा रहा है, जो गवर्नर जनरल की पावर है ना, इसको यहाँ पे थोड़ा बाइफरकेट करने की कोशिश करिए, यहाँ पे लिख लीजिए इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट सेपरेटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या सर सेपरेट कर दिया, क्या सेपरेट कर दिया है, पहली बार क्या सेपरेट कर दिया, पहली बार सेपरेट किया है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक सब साथ में था, अब अलग कर दिया है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ, ये फंक्शन लिखा है, ठीक है, फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल काउंसिल कर दो बेसिकली, तो काउंसिल ही होती थी, सब करती थी, सही है। सो अब जो इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग कर दिए, सो
जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है अब वो कहलाएगी आपकी इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये लोगों को समझ में नहीं आता है, तो ये मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ। अभी तक सब काम एक साथ होता था, समझ में आ रहा है? अब थोड़ा बाइफरकेट कर दिया है, रहेगा गवर्नर जनरल के अंडर में ही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग नाम से जाना जाएगा। ठीक है, हेलो अर्चना, वेलकम टू द क्लास, और चीज़ें आसानी हो इसलिए करा गया। तो इसको मैं हटाने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं लिखने जा रहा हूँ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट, थोड़ा सही है? अरे यस और नो, सब लोग बता दो कौन कौन है, यस और नो करके मुझे बता दो। हमसे शांत ना बैठा करो, हमें शांत लोग नहीं पसंद है, चिल्लाते रहा करो, बोलते रहा करो। ओके, काफी लोगों ने बोल दिया है, कूल। तो अब मैं हटा रहा हूँ। अब सुनो, मैंने क्या बताया, मैंने बताया, ओ माय गॉड, ये थम्सअप क्या होता जा रहा है? थम्सअप पे हाथ रख के भूल गया है क्या? तो हाँ, क्या था? लेजिस्लेटिव वाला। लेजिस्लेटिव मतलब होता है कानून बनाने वाला काम, कानून बनाने वाला काम। अब ये क्या कहलाया जाएगा? अब ये कहलाया जाएगा इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और पता है आपको, पता है यही जो है ना इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कहलाई जाएगी अब एक मिनी पार्लियामेंट। इट विल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट, ठीक है। ये सवाल पूछा गया था यहां से, ये पूछा गया था किस एक्ट में मिनी पार्लियामेंट के गठन का मेंशन है, तो इसी को मिनी पार्लियामेंट बोला गया है। सबको क्लियर है? बिल्कुल है, बताओ कहाँ से चीज कहाँ जोड़ी है। तो जब तक ऐसे नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आने वाला है। तो मिनी पार्लियामेंट सर क्यों बोला गया? सर इसलिए बोला गया है क्योंकि इन्होंने सेम प्रोसीजर अपनाया जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अपनाए जाते हैं लॉज बनने के लिए। अडॉप्टेड द सेम प्रोसीजर एज इन दी ब्रिटेन पार्लियामेंट, ठीक है। तो अब ये इंडिया में पहली बार होने लगा कि जैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट काम करती थी वैसे यहां पे भी कुछ कुछ होने लगा। तो ये कुछ कुछ होने लगा, ये शुरू हो गया, ठीक है। और ठीक है, और इसके बाद एक नया बात बताने जा रहे हैं, उसमें अटेम्प्ट किया था ओपन कंपटीशन का, इसमें करा दिया है, ठीक है। चलो ये मैं हटा रहा हूं, उसमें इससे पहले वाले में अटेम्प्ट किया था, इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। इट इंट्रोड्यूस्ड, तो वर्ड पे ध्यान देना, अटेम्प्ट और इंट्रोड्यूस्ड ये कीवर्ड है। वहां पे अटेम्प्ट पे गोला लगा दो, यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड पे गोला लगा दो, जब भी रिवाइज करो तो समझ में आए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें एक्चुअली में लागू कर दिया था, इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन, ठीक है, इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम। हेलो गिप्पी, वेलकम टू द क्लास, फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। थोड़ा रह गया है पूनम, क्या रह गया है? इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, बताइए क्या रह गया, हम बताएं। ठीक है, मजा आ रहा है ना? इसके बाद मैकॉले, वही मैं बताने जा रहा था अविरल, दैट वॉज एग्जैक्टली वेयर आई वॉज हेडिंग टू। बस हम वहीं आ रहे थे, मैकॉले माइन्यूट वाला, मैकॉले कमेटी, इसीलिए मैकॉले कमेटी गठित करी गई थी, ठीक है, कि ये जो रूल्स रेगुलेशन क्या क्या बनेंगे, किस तरह से हमें प्रोसीड करना है चीजें, वो इसी में मेंशन थी। मैकॉले कमेटी, कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस, ध्यान रखो, कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस सर्विसेज, ठीक है। तो इससे लिंक करके पढ़ना, ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करा दिया गया, तो
अब उसमें जो चेंजेस लाने हैं, कैसे क्या करना है, उसके लिए मैकॉले कमेटी गठित करी गई। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जो लेजिस्लेटिव वाला मैंने पार्ट आपको कायदे से बता दिया, इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाएगा। इसमें 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 हिस्ट्री में पहली बार एक काम किया गया है। अरे ये लिख लिया सबने, पूनम हो गया ना सबका, ये छूटे ना किसी काम ये चाहते हैं, अदरवाइज आप लोग को क्या बताएं, देखना पड़ जाएगा। अरे 1 मिनट, हाँ ये लो वापस आ गया। इसीलिए मैंने आज ब्लैंक स्लाइड ज्यादा रखी हुई थी, मुझे पता पता था मुझे। ओके अभिषेक, स्वागत है क्लास में आपका। इसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। पहली बार इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ, समझ में आ रहा है? पूनम डन, बढ़े आगे। ओके कूल, ठीक। तो क्या किया गया है, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया भाई, लोकल रिप्रेजेंटेशन। गुड इवनिंग रोहित। लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। बहुत तगड़े नोट्स बन रहे हैं आपके, समझ लो। जो आपके हाथों में पेन से इंक पेपर पे टच करती है ना, तो आपके थॉट्स हैं वो, उसको तो विजुलाइज किया करो, वो बहुत याद रहेगा वो आप लोगों को, ठीक है। पीडीएफ वीडीएफ से पढ़ना तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इससे ज्यादा याद होता है लिख के। तो हाँ इसी में चलो थोड़ा और चीज बता दें। थैंक यू चंचला जी। इसीलिए मैं फोकस ही कराता हूँ कि आप लोग खुद से लिखो, लिखने वाली चीज़ है वो हम लोग की गायब हो रही है थोड़ा। वही मैं हमेशा कहता हूँ, आपके बच्चों के बच्चे जो होंगे वो ज़्यादा बेटर इक्विप्ड होंगे डिजिटल पढ़ने से, आप लोग नहीं हो अभी। हेलो कांशा, वेलकम टू द क्लास। सो था क्या उस टाइम पे, जो ये इंडियन लेजिस्लेटिव या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे ना, उस टाइम पे टोटल 6 मेंबर्स थे, ठीक है। तो इस 6 मेंबर्स में बोला कि 4 मेंबर्स इंडियन होंगे, 4 मेंबर्स इंडियन होंगे। बट वही है ना कि ये ऐसे ही थोड़े ना किसी को रख लेंगे यार, ये लोग बड़े एरिया को जो बिलोंग करते होंगे, बड़े लोग वो लोग होंगे। तो 4 लोग कहाँ कहाँ के थे वो मैं बता दे रहा हूँ, लिखना चाहो लिख लो। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा। 6 में से 4 लोग लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया ना, तो ये 4 अब इंडियन होंगे, यहां से होंगे। और वही है, जो ज्यादा वफादार होगा ब्रिटिश सरकार के, उन्हीं लोग को रखा जाएगा। तो ऑब्वियस है, तो समझ सकते हो आप लोग। कूल, तो ये क्लियर है, ये हमारा समाप्त होता है पहला पार्ट। पहला पार्ट मतलब कि कंपनी रूल, कंपनी रूल यहां तक समाप्त। हेलो विवेक, वेलकम टू द क्लास। सब लोग बता दें वाई लिख के, सब लोग हैं ना। जसवीर कौन था सबसे, कौन कौन था आप लोग लिख लेना, अभी हमें ध्यान नहीं है इतना, ठीक है, आप लोग लिख लेना। हेलो अंबिका, वेलकम टू द क्लास। पता हो आपको तो बता दो, ये यही मैं कह रहा हूँ ना, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद आपका काम शुरू होता है यहाँ पे, इसमें चीजें एड ऑन करना, ठीक। आपको पता हो, आप नोट्स में सब लोग लिख लेना, वही मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन करना लिख लेना। चलो मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो वेरी गुड, अब समझते हैं क्राउन रूल, अब चलने लगा है दी क्राउन रूल। और ऐसा है कि ये जो पहला एक्ट है वो तो मैंने मतलब बताया हुआ है, 1858 से 1947 तक चला, बट स्टिल यहाँ पे काफी लोग नए हैं, इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ। पहला लिखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। हेलो अंबिका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसी को मैंने क्या बताया था, इसे क्या बोला जाता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। हाँ
ठीक है, ये सब पूछा जाता है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस बोला जाता है। सरकार को लगा यार बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं कैसे हम पहचान नहीं पाए, इतनी बड़ी क्रांति कैसे हो गई हमारे उसमें। ठीक है, तो अब लग रहा है कि कुछ ठीक ठाक करना पड़ेगा, इसीलिए बोला कि अब हम प्रिंसली स्टेट्स के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप करेंगे, अब जो है ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे उन लोग के साथ, ये सारी बातें। साथ ही साथ इन्होंने बोला अब हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाएंगे। इसी के साथ एक पॉलिसी होती है, इसको बोला जाता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ये समझते हो, अब ये भी लागू कर दी गई। जिस तरह से गधे को कैरेट दिखा दिखा के आगे नहीं बढ़ाते रहते हैं और पीछे उसके स्टिक मारते रहते हैं, तो यही अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया वालों के साथ करना स्टार्ट किया। इसको बोला जाता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ठीक है, तो अब ये भी स्टार्ट हो गई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। एक एक्ट लाएंगे मॉडरेट्स को, कांग्रेस के मॉडरेट्स को दिखाएंगे देखो कितना अच्छा सब कुछ है। दूसरी तरफ से एक और एक्ट ले आएंगे धीरे से, उस पर कर्ब करेंगे एक्सट्रीमिस्ट को खासकर। तो चलो इसे बात करेंगे अभी, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस और एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, फाइनली फाइनली इसमें बोला गया है जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा था, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, इसमें यहाँ पे खत्म किया है। क्यों? क्योंकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी डिमोलिश्ड, खत्म कर दी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिमोलिश्ड, खत्म कर दी गई है, ध्यान रखो। तो जब कंपनी खत्म की जाएगी तो जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट चल रहा था, याद है ना मैंने बताया था आप लोगों को, है याद है ना, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, बीओडी सीओडी, बीओसी सीओसी वाला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको खत्म कर दिया गया। कंपनी नहीं रही तो अब ये क्या रहेगा, इसीलिए मैंने पहले ये पॉइंट लिख दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें खत्म किया था, डबल गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट कैसे खत्म किया गया था, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट वॉज एबॉलिश्ड। ठीक है, लिख लिया इतना, हटाएं इसको। ओके ओके, इसमें पहली बार एक नई पोस्ट की शुरुआत करी गई जिसे बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सो इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ, ये सब बहुत पूछा जाता है, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नया ऑफिस एक खोला गया। ठीक है, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये एक्चुअली कौन था, एक्चुअली मेरी आंख फड़क रही है बहुत तेज से। हाँ एक सेकेंड, ओके। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये मेंबर था, ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। हाँ बिल्कुल सही, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, समझ में आ गया, इसी का जो वो था खर्चा वो अपने इंडिया से दिया जा रहा था। ठीक है, पूरा का पूरा खर्चा, भले लंदन में जाए, यहाँ रहे, जहाँ पे भी है, इसका पूरा का पूरा खर्चा भारत से जाता था। तो इसको दादाभाई नौरोजी ने अपनी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में भी इंक्लूड किया है। ठीक है, पैसा यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। इसी की हेल्प के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हेल्प के लिए ना, एक 15 मेंबर, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करी गई, इसी की हेल्प के लिए। क्या होता है आंख का फड़कना क्या हो रहा है? ठीक है, ओके इसी की, हाँ मैंने क्या बताया, हेल्प के लिए 15 मेंबर,
अच्छे दिन है। हाँ जो भी है। सो 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया जिसका चेयरमैन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है। चलो ये हो गया, अब दूसरा देखते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ 1861, इसको मैं हटा रहा हूँ। अच्छे दिन 6 साल से चल रहा है, सही बात है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं बता दूं आपको 1861 के एक्ट के बारे में, ठीक है। और तीन तीन इंडियन काउंसिल एक्ट चले, अभी मैं पहला बता रहा हूं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, राइट। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पे आई थिंक जब मैं बात कर रहा था। एम आई विजिबल? मैं दिख रहा हूँ मेरी स्क्रीन पे? मैं नहीं दिख रहा हूँ एक्चुअली, मैं दिख रहा हूँ। हाँ रुक रुक गया हूँ मैं क्या? एक मिनट मैं जरा पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक मिनट। ओके कूल, अब सब सही है ना? ओके ठीक। इसको ध्यान से समझना क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट अब क्या होने वाला है ना, अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की गवर्नमेंट स्टार्ट होने वाली है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियंस को धीरे धीरे लाया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, धीरे धीरे लाया जा रहा है। तो इट दिस एक्ट मेड अ बिगनिंग, मेड अ बिगनिंग बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन मतलब होता है अब यहाँ पे इंडियंस को भी धीरे धीरे लाया जा रहा है, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। तो पहली बार हुआ 1861 से स्टार्ट हुआ। कैसे करेंगे? आपको पता होगा कि जो वाइसराय था, वाइसराय वो अब नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेट कर सकता है कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को अपनी काउंसिल में, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। वही फिर से वही बात जो मतलब बड़े बड़े लोग थे उन्हीं को किया जाता था, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, वाइसरॉय कहलाने लगे, आपको पता है ना 1858 से वाइसरॉय कहलाने लगे। मैंने पॉइंट बताया नहीं, वहां भूल गया, जो भी है ना। 1850 क्लास मिस हो गई, कोई बात नहीं। अंबिका अब मैं क्या बताऊं, अब हम क्या कर सकते हैं, मेरा जो टाइम है उतने पे तो हमें लेना ही पड़ेगा। हाँ कैनिंग के टाइम पीरियड से वाइसरॉय मतलब 1858 से जो एक्ट पढ़ाया था ना मैंने, वहां से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, अब वाइसरॉय होंगे, ठीक, वाइसरॉय अब कहलाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ वाइसरॉय लिखा हुआ है, आप लोग चाहो तो वहां पे लिख लो 1858 वाला जो एक्ट पढ़ाया था वहां पे अब है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय नाम से जाने जाएंगे अब। तो अब वाइसरॉय नॉमिनेट कर सकता है कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। सो इसने क्या किया, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, तीन लोगों को, तीन इंडियंस को अपॉइंट किया। इन तीन लोगों को पूछा गया है, ठीक है, जरा लिख लीजिए आप लोग। सो इनमें से एक जगह मैं गया हूँ। हेलो अनिल, वेलकम टू द क्लास। राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस, ठीक है। इनकी हवेली मैंने देखी है, गोमती नदी के किनारे पास, अरे गोमती कह रहा हूँ, गंगा नदी के किनारे बना हुआ है, बेहतरीन है, राजा ऑफ बनारस, ठीक है। तो राजा ऑफ बनारस हो गए एक इंसान, पहले दूसरे हैं महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ पटियाला, अच्छा उसको रामनगर बोलते हैं क्या अर्जिता? बनारस वाला है थोड़ा आगे जाके, उसको रामनगर एरिया आता है क्या वो? ओके ओके हाँ, क्योंकि ऑटो से गए थे उसमें काफी ज्यादा पैसे लिए थे। चलो ठीक है, महाराजा ऑफ पटियाला, लास्ट सर दिनकर राव, सर की उपाधि मिली हुई है इन्हें, सर दिनकर राव, ठीक है। थोड़ा आउटस्कर्ट पे पड़ता है, बाहर मतलब मेन बनारस यानी थोड़ा आगे जाके पड़ता है, सर दिनकर राव, ठीक है। सो ये तीन लोग को लॉर्ड कैनिंग ने अपॉइंट कर दिया, ठीक। टाइम हो गया है क्लास का, बट स्टिल मैं इसको पूरा ही कर दूं, कम से कम काफी लोग हैं यहाँ पे। इसके बाद जैसे हम लोग ने बात करी थी पोर्टफोलियो सिस्टम, यहाँ पे स्टार्ट हुआ पोर्टफोलियो सिस्टम, है ना, याद है ना? पोर्टफोलियो सिस्टम इसमें आया, लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है।
लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था, पूछा जाता भैया हल्के में ना लेना ये सब पोर्टफोलियो सिस्टम, जो अलग अलग पोर्टफोलियो हम लोग देखते हैं ना, डिफेंस का, फिनेंस का, एजुकेशन वाला अलग, तो ये पहली बार स्टार्टिंग इसमें हुई थी 1861 के एक्ट से, राइट। और ये मेरा फेवरेट है, वॉइसरॉय को ऑर्डिनेंस पावर दी गई, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, बहुत पूछा जाता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ठीक है, क्लियर है सबको। इतना इमरजेंसी के दौरान ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, और ऑल्सो इट इन स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ, स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक। तो चलिए कल की क्लास मॉर्निंग 10 बजे, भाई कल 10 बजे है, 10 बजे आइएगा अंबिका, ठीक है। सो जैसे शुरुआत की थी वैसे ही अंत करते हैं आप लोगों के साथ, बाकी मेरी क्लास तो अभी 7 से 10 चलेगी प्लस पे, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करते हुए, किस तरह से 1 घंटा के ऊपर चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो अब ये मुझे पढ़ाने का शौक कह लें या आप लोग इतने अच्छे हो, आपसे इंटरेक्ट करने पे इतना एनर्जाइज हो जाते हैं, तो वो कारण कह दें जो भी है, बट आप लोग बहुत अच्छे हो, लिटरली आप लोग बहुत अच्छे हो, सपोर्टिव हो, और हमेशा आप लोगों के साथ मुझे बात करके पसंद आता है, ठीक है। सो थैंक यू आप सभी का आने के लिए, और वही है फिर से वही बात कि अगर आपको प्लस पे आना है तो स्नेहा इसी टाइम पढ़ाएं प्लस पे आना है तो आप लोग आइए, और क्या बताया जाए, ठीक है, आइए और एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, और ये में है मेरा कोड है, जिसको आना हो बता देना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, जिसको भी आना हो आ सकता है, ठीक है। थैंक यू सभी को जो आप लोग सब लोग आए हो, और मैसेज कर देना मुझे, लर्निंग ऐप पे कर सकते हो या फिर यहाँ पे कर देना, इससे रिगार्डिंग कोई पूछना हो कितनी फीस है क्या है, काफ़ी कम करा देते हैं हम, काफ़ी लोग यहाँ से आए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंड हाँ रिव्यू ज़रूर कर देना, ठीक है, रिव्यू सब लोग ज़रूर कर देना, बाय बाय, कल 10 बजे मिलते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।